देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। आजकल विश्व कप चल रहा है, भारत ने भी अपना मैच जीत लिया है, उसने साउथ अफ्रीका को हराया। और इसके अलावा टॉप पर जो टीम है वो है न्यूजीलैंड, 4 पॉइंट के साथ सबसे आगे है, भारत के 2 पॉइंट है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो अपने शुरुआती 3 मैच हार चुका है, लिहाजा उसके लिए अब टूर्नामेंट में बने रहना सबसे बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन कल का जो मैच हुआ 6 जून को, जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच, उसमें अंपायरिंग को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वेस्टइंडीज के एक मशहूर बल्लेबाज होल्डर ने खराब अंपायरिंग को लेकर अंपायरों की आलोचना भी की है। तो वहीं दूसरी ओर क्रिस गेल को जिस गेंद पर आउट किया गया, उस गेंद को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अंपायर जो हैं क्रिस डेफनी, उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्टॉक की गेंद पर लगातार वो क्रिस गेल को आउट देते जा रहे थे और क्रिस गेल रिव्यू लेकर बसते जा रहे थे। लेकिन आखिरकार क्रिस डेफनी की जो अंपायरिंग थी उससे वो बच नहीं पाए और वो आउट हो गए। क्रिस गेल के आउट होने के बाद रिप्ले में जो चीज निकल कर सामने आई उससे ये मालूम पड़ा कि क्रिस गेल को आउट करने वाली गेंद से ठीक पहले जो बॉल फेंकी गई थी वो बहुत बड़ी नो बॉल थी, लेकिन अंपायर की नज़रों से वो नो बॉल बच गई। कायदे से क्रिस गेल जिस गेंद पर आउट हुए वो फ्री हिट बॉल होनी चाहिए थी, लेकिन अंपायरिंग, खराब अंपायरिंग की वजह से, अंपायरों की नज़र से बहुत बड़ी चूक हुई। और खराब अंपायरिंग को लेकर इस पूरे मैच की, इस पूरे अंपायरिंग जो हुई है इस मैच में, उसकी अब आलोचना की जा रही है। आप देखते रहिए मुंबई प्रेस, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।